हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम चैप्टर 7, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ऑल वीडियोज वन बाय वन देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने से पहले हम वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, वेरिएशन में कोई भी टू क्वांटिटीज तब कहा जाता है जब एक क्वांटिटी के वेरिएशन में कुछ चेंजिंग होता है तो उस कारण सेकेंड में भी चेंजिंग होगा। तो ये हमारा वेरिएशन होता है, क्लियर। अब वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो आपका एक्सरसाइज ये फर्स्ट है, ये डायरेक्ट वेरिएशन पे इस क्वेश्चन है इसमें सारे, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि टू क्वांटिटी, कोई भी टू क्वांटिटी तब डायरेक्ट वेरिएशन में होगा जब वन क्वांटिटी अगर ग्रो होता है तो सेकेंड क्वांटिटी में भी ग्रोथ होगा। बट अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, कम रहा है, घट रहा है, तो सेकेंड क्वांटिटी भी उस कारण से घटेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। एंड इन्वर्स वेरिएशन में होता है, अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रहा है तो सेकेंड घटेगा, और यदि सेकेंड फर्स्ट क्वांटिटी हमारा घट रहा है तो सेकेंड बढ़ेगा। तो यही वेरिएशन है, क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन वन कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए, इसमें मैं पूछा जा रहा है कि एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू है एक्स की, वाई की। तो ये एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे मैं यहीं पे डिवाइड करके बना देती हूँ। तो देखिए, 5 1 4 5 3 4, ये आ गया हमारा 1/3। इसी तरह से 8 by 24 है, तो 8 1 4 8 3 4, ये भी आ गया 1/3। 12 1 4 12 3 4, क्लियर। नाउ 15 1 4 and 15 4 4, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो गया। सिमिलरली 18 1 4 18 4 4 72, तो ये आ गया 1/4, ये भी 1/4। 20 1 4 25 4, यानी कि 1/100 इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये तीनों तो इक्वल हैं, बट 1/4 ये इक्वल है इसके 1/4 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू हो गए। सिमिलरली यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इसे आप चाहो तो लिख के ऐसे कर सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल टू 1/4, ये दोनों इक्वल टू है, इक्वल टू 1/4, फिर नॉट इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो इनकी वैल्यू चेंज हो रही, कॉन्स्टेंट नहीं है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x एंड y आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड भी यही सेम तरीके से हम कर लेंगे। तो 3 1 4 3 3 4, ये आ गया 1/3। अगेन 5 1 4 5 3 4 15, 7 1 4 7 3 4 21, तो 1/3। 9 1 4 9 3 4, तो 1/3। 10 1 4 and 10 3 4 30, क्लियर। तो ये भी हमारा आ गया 1/3। तो इसमें सारा ही इक्वल है, 1/3 1/3 1/3। दैट मीन्स x एंड y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख लेंगे, यस, x एंड y आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ क्वेश्चन टू, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ कह रहा है कि जब यदि x एंड y डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम इसे कंप्लीट करने हैं टेबल को, क्लियर। तो फर्स्ट टेबल को देख लीजिए, तो यहाँ हम 3/45 एक्स वाई में, जिसे हम लिख सकते हैं 3/45 इज इक्वल टू 5/x ले लेते हैं, 5/x। तो इस x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो गया 3x। तो हम लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू 5 into 45। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 into 45 upon 3। नाउ 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में डिवाइड होगा, 15 3 4 45। नाउ 15 into 5 is 75, दैट मीन्स इस यहाँ पे आ गया हमारा 75। अब सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 5/75 एंड ये बॉक्स खाली जगह बाई 90, तो इसकी जगह हम x ले लेंगे, x लिया, ये x है तो x1 x2 मान सकते हैं, ठीक है। एंड ये नीचे का हमने किया था, आप इसे y1 मान सकते हो, y1 इज इक्वल टू, क्लियर। यहाँ पे x की जगह y रख सकते हैं, y1, तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू, क्लियर। नाउ इसमें x यहाँ, तो इसे x1 x2 ले लेंगे, तो 5/75 इज इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 5/75 इज इक्वल टू x1 by 90 है, 90, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्स इंटू 75 इज इक्वल टू, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5/90 अपॉन 75, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 75 नीचे आ गया। नाउ इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 75 डिवाइड करेंगे 15 टाइम में, एंड 15 से 90 डिवाइड हो जाता है, 15 6 90 इज इक्वल टू 6। एक्स वन हमारा क्या आ गया 6, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6। नाउ 6/90 एंड ब्लैंक्स बाय 120 इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सेम कर लेंगे 6/90 इज इक्वल टू एक्स टू बाय 120। अब यहाँ पे एक्स टू इंटू 90 यानी कि 90x2 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 6 × 120, तो एक्स टू इज इक्वल टू 6 × 120 अपॉन 90। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, नाउ 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो एक्स टू इज इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या देखें, 8/120 एंड 10 अपॉन, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 8/120 इज इक्वल टू 10 अपॉन y1 y2, तो y2 ले लेते हैं इसे, देन 8y2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 10 × 120, तो y2 इज इक्वल टू 10 × 120 अपॉन 8। इसे डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 9 5, नाउ 4 से 12 को, 4 3 जार 12 एंड ये 0 इज इक्वल टू 5 3 जार 15 एंड 0 150। तो इस पोजीशन में आ गया हमारा 10/150। क्लियर, इसी तरह से सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 एंड x है, तो 4/7 इसे यहाँ पे कर लेते, तो देखिए 4/7 इज इक्वल टू 8/y1 ले लेते हैं, 8/y1, तो y1 इज इक्वल टू y1 × 4 एंड ये दोनों एक साथ आएगा, तो 7 × 8/4, 4 2 जार 8, 7 2 जार 14, तो ये हमारा आ गया 14। सिमिलरली 8/14 इज इक्वल टू x1/21, नाउ x1 × 14 इज इक्वल टू 8 × 21, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 8 × 21 अपॉन ये 14। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, 7 3 जार इज इक्वल टू 4 3 जार 12 इज द आंसर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। नाउ 12/21, 12/21 इज इक्वल टू 20/y2 ले लेते हैं इसे, फर्स्ट y1 y2 इसे मान लेंगे। नाउ 12y2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20 × 21, तो y2 इज इक्वल टू हो गया 20 × 21/12, डिवाइड कर लेंगे, 4 3 जार 12, 4 5 जार 20, नाउ 3 7 जार, तो ये हो गया हमारा 7 × 5 35, 35 इज द आंसर। नाउ 20/35 ले लेंगे, तो 20/35 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 28/y3 ले लेते हैं इसे, 28/y3, तो 20 × y3 इज इक्वल टू 28 × 35, तो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू क्या हो गया 28 × 35 अपॉन 20। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 5 4 जार 20, 5 7 जार 35, नाउ 4 7 जार 28, 7 × 7 = 49, तो यहाँ हमारा हो गया 28/49 इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 3, इफ अ लेबरर अर्न्स ₹2688 पर वीक, हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज। तो कह रहा है कि लेबरर जो है एक पर वीक यानी कि 7 डेज में ₹2688 अर्न करता है, तो 18 डेज में क्या करेगा। क्लियर, तो यूनिटरी मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी इजी मेथड है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम मान लेंगे लेट द मनी इन डेज, इन 18 डेज है ना, 18 डेज में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 18 डेज में कितना मनी अर्न करता है, तो इन 18 डेज में ₹x अर्न कर रहा है। नाउ क्वेश्चन में देखिए, पहले हमारा दिया है 2688, ठीक है, 2688 ये पहले है, एंड वीक बाद में, तो वन वीक में कितने 7 डेज होते हैं, डेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हम डेज में लिखेंगे, तो फर्स्ट इस नंबर को लिखेंगे, देन यहाँ लिख लेंगे 7 डेज, ठीक है, तो वही हमने लिख लिया 2688 इज टू 7 डेज। क्लियर, प्रोपोर्शनल टू, इसका साइन दे देंगे। नाउ फर्स्ट में मनी है, ये रुपीज है, तो पहले हम रुपीज ही लिखेंगे, रुपीज हमने एक्स माना, तो रुपीज एक्स
ईच टू, अब 7 डेज है तो यहाँ पे आ जाएगा 18 डेज है। रुपीज एक्स कब आता है 18 डेज में, तो यहाँ 18 डेज। क्लियर? नाउ इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो गया 2688 अपॉन 7, एंड ये जो प्रोपोर्शनल टू है ये इक्वल टू के साइन में आ जाएगा, एंड फर्स्ट एक्स लिख लेंगे एक्स अपॉन 18। ये हमेशा आप ध्यान में रखना कि जो पहले लिखा है उसे हम ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 x 7x इज इक्वल टू 2688 x 18। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2688 x 18 अपॉन 7। नाउ 7 से 2688 को डिवाइड करेंगे तो ये 384 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। नाउ 384 x 18 इज इक्वल टू रुपीज 6912 इज द आंसर। क्लियर? तो मनी अर्न इन 18 डेज इज इक्वल टू 6912। नाउ क्वेश्चन 4 इज, इफ $175 कॉस्ट रुपीज 14700, हाउ मेनी डॉलर्स कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 24024। क्लियर? कह रहा है कि $175 का कॉस्ट, अगर इसे हम मनी में कन्वर्ट करते हैं डॉलर को, तो $175 के लिए कितने रुपीज मिल रहे हैं 14700। तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि 24024 रुपीज के लिए कितने डॉलर परचेस्ट करने होंगे। क्लियर? एंड अभी इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ $1 की कीमत अभी है 82 रुपीज़ एंड 6 पैसे के करीब है, ठीक है। तो चलिए, इसे कुछ नहीं था, इसे हम, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको $1 का बताया है, यहाँ $1 से मतलब नहीं है। डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले देखिए $175 है, इसका कॉस्ट दिया तो पहले 175 * ये लिख लेंगे, देन डॉलर को हम एक्स मान लेते हैं, तो फर्स्ट हम डॉलर लिख रहे हैं तो पहले हम एक्स लिखेंगे, एक्स इज टू 24024 लिखेंगे एंड इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन 5 हमने यहाँ सॉल्व किया है, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डॉलर इज इक्वल टू एक्स मान लिया डॉलर को, नाउ डॉलर एंड कॉस्ट जो दिया गया है डिफिनेशन में वो लिख लेंगे, फर्स्ट $175 एंड ये हमारा रुपीज हो गया 14700 इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट डॉलर है, तो यहाँ भी हम फर्स्ट डॉलर लिखेंगे, तो डॉलर को एक्स माना तो एक्स इज टू 24024। नाउ फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 175 अपॉन 14700 इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब इक्वल टू का साइन, एंड ये हो गया एक्स अपॉन 24024। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 14700 इंटू एक्स ये आ गया इज इक्वल टू 175 इंटू 24024, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 175 इंटू 24024 अपॉन 14700। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो 175 से जब 14700 को डिवाइड करते हैं तो 84 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 84 से 24024 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 286 इज इक्वल टू $286 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज, सॉरी ये आपका क्वेश्चन 4 था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5 को सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन 5 है, इफ अ कार ट्रेवल 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्लियर? एक कार जो है 4.5 लीटर पेट्रोल में 67.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो पूछा जा रहा है कि 26.4 लीटर पेट्रोल में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ हमें डिस्टेंस को निकालने हैं, तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में x किलोमीटर जा रहा है, या किलोमीटर लिख लेते हैं x किलोमीटर। क्लियर? देन अब क्वेश्चन में देखिए 67.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तीन दोनों को हम एक साथ ले लगाएंगे, तो पहले 67.5 है तो पहले यही लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे 67.5 किलोमीटर इज टू 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। क्लियर? इज प्रोपोर्शनल टैक्ट, तो किसके प्रोपोर्शन में है, x एंड 26.4 किलो, ठीक है। तो पहले किलोमीटर लिखा है तो ध्यान दे रखना हमें हमेशा किलोमीटर ही लिखेंगे, फर्स्ट में जो लिखते हैं वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर है तो ये हम लिख लेंगे x किलोमीटर इज टू, तो x किलोमीटर जाता है 26.4 लीटर पेट्रोल में, तो ये आ गया 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। नाउ फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा तो 67.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू x पहले, तो x पहले ऊपर आ जाएगा, नाउ 26.4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 4.5x इज इक्वल टू 67.5
5 into 67.5 into 26.4. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 67.5 इंटू 26.4 अपॉन 4.5. अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद वन डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद वन डिजिट है, तो सेम प्लेस में है दोनों, तो यानी कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया. नाउ डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 45 बन गया एंड ये 675, डेसिमल हट गया, क्लियर. तो 45 से 675 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में डिवाइड हो जाता है. नाउ 15 इंटू 26.4, ये पॉइंट है, तो 26.4 इज इक्वल टू इंटू करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 3960. डेसिमल के बाद वन डिजिट है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से वन डिजिट के बाद पॉइंट, क्लियर. तो 396.0 और 396 किलोमीटर इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड शीट्स इज 45 mm, करा कि 12 कार्डबोर्ड की थिकनेस है ना, पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड है जिसका थिकनेस 45 mm है, देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम कार्डबोर्ड वुड बी 90 सेंटीमीटर थिक. तो 90 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की थिकनेस के लिए, जो 90 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाए उसके लिए हमें कितने कार्डबोर्ड चाहिए, ये हमें फाइंड करने हैं. क्वेश्चन में देखिए जो थिकनेस हमारा है 12 कार्डबोर्ड का थिकनेस 45 mm है, एंड जो हमें फाइंड करने हैं कार्डबोर्ड, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड जो फाइंड करना है उसका थिकनेस सेंटीमीटर में. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनिट तो हमें सेम करना होगा, क्लियर. तो फर्स्ट तो हमने लिख लिया, लेट द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट इज इक्वल टू एक्स. अब थिकनेस है मिलीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं. तो जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 90 मिलीमीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 90 सेंटीमीटर है तो इसे मिलीमीटर में 90 को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90 इंटू 10 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900 mm, क्लियर. अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कार्डबोर्ड का नंबर है 12, तो लिख लेंगे 12 कार्डबोर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 12:2, तो 12 कार्डबोर्ड का थिकनेस है 45 mm. 45 mm इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ हमें पहले हमने कार्डबोर्ड का नंबर लिखा है, तो कार्डबोर्ड का नंबर एक्स माना, तो पहले एक्स इज टू, ये हो गया 900, एक्स का क्या है 900 mm, तो 900 mm आप चाहो तो यहाँ mm लगा भी सकते हैं. नाउ 12/45 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 900, अब 45x हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 45x इज इक्वल टू 12 इंटू 900, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 900 अपॉन 45. अब 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो 45 2 जार 90 एंड ये 10, तो इक्वल टू 12 इंटू 20, तो 12 2 जार 24 एंड ये 0, तो 240 सीट्स इज द आंसर. क्वेश्चन 7 इज, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 1 लाख टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर. कह रहा है कि एक बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ है एनलार्ज्ड किया गया 1 लाख टाइम्स, तो बैक्टीरिया हमें 4 सेंटीमीटर के लेंथ में दिखाई देता है. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है ये फाइंड करने हैं. देन इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 25,000 times ओनली, अब कह रहा है कि 25,000 times उसे एनलार्ज्ड किया गया, तो व्हाट वी वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ, तो उस बैक्टीरिया का एनलार्ज्ड लेंथ क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, क्लियर. तो फर्स्ट हम बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं. तो देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 लाख टाइम्स जब एनलार्ज्ड करते हैं तो 4 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया दिख रहा है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो क्लियर है इसकी एक्चुअल लाइफ टाइम्स जब हम क्या होगा एक्चुअल लेंथ का अब कब दिखेगा, जब हम फर्स्ट टाइम उसे देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ लिख लेंगे 1 टाइम इज इक्वल टू, तो ये 1 लाख टाइम्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 1 टाइम 4/1 लाख, क्लियर. तो 1 टाइम इक्वल टू, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 1 लाख इस तरह से हम नहीं लिख सकते 4/1 लाख times किसी का साइज, ठीक है. तो इसके लिए हम लिखेंगे 4/10^5, इस पे 1 पे 5 0 है तो 10^5, क्लियर. एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू, चूंकि ये बेस में है तो ये आ जाएगा हमारा 10^-5 cm इज द आंसर. तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया ये आ गया. अब ये हमने कैसे किया, तो ये इसके लिए आपको ध्यान में होगा कि आपने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 में हमने पढ़ाया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में, ठीक है. स्टैंडर्ड आपने लिखना सीख लिया था, अगर आप भूल गए हो तो आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना एक बार.
क्लियर। नाउ इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी में जो आगे पूछा जा रहा है तो मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ। तो हमने लिख लिया, लेट द एनलार्ज्ड लेंथ एक सेंटीमीटर, नाउ 1 लाख टाइम्स इज टू 4 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू 25,000 टाइम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए टाइम्स पहले लिखा है तो प्रोपोर्शनल टू के बाद टाइम्स को ही पहले लिखेंगे, क्लियर। नाउ 1 लाख बाई 4 इज इक्वल टू 25,000 बाई एक्स, एक्स लास्ट में आया है तो नीचे लिखेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 25,000 इंटू 4, दियर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इसे इंटू कर लेते हैं तो 25 4 100 एंड इस पे ये 30, दैट मीन्स ये भी 1 लाख आ गया। तो 1 लाख बाई ये 1 लाख डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज द आंसर, क्लियर। क्वेश्चन 8 इज, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 66 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप। तो इस क्वेश्चन को एक फिगर के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा शिप है, अब शिप पे कह रहा है, ठीक है, शिप का मॉडल है तो कह रहा है कि मास्ट फ्लैग स्टाफ, मास्ट बोलते हैं फ्लैग स्टाफ का, फ्लैग स्टाफ होती है ये हमारा मास्ट हो गया फ्लैग स्टाफ, ठीक है, फ्लैग लगाए। अब कह रहा है ये फ्लैग स्टाफ जो है 6 सेंटीमीटर हाई है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर हाई। अब कह रहा है जो एक्चुअल शिप है वो 9 मीटर हाई है, तो मान लीजिए ये हमारा एक्चुअल शिप का हाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ तक ये है 9 मीटर, क्लियर। देन कह रहा है लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर एंड ये लेंथ यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसकी लेंथ कितना है 33 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप, तो हमें पूछा जा रहा है कि मॉडल ऑफ शिप का लेंथ क्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें मॉडल ऑफ अ शिप है ना, मॉडल शिप का मास्ट दिया गया, तो वही हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप, मास्ट ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है और ये दोनों हमारा 33 मीटर 9 मीटर मीटर में है, तो मीटर को हम कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिख लेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट तो हमने लिख लिया मास्ट ऑफ मॉडल शिप, तो मॉडल शिप का मास्ट 6 सेंटीमीटर है एंड एक्चुअल क्या शिप का मास्ट है तो वो लिख लेंगे। तो नाउ मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज इक्वल टू दिया है 9 मीटर हाई, तो ये हो गया 9 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 9 मीटर इक्वल टू 9 × 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप भी दे रखा है तो वो लिख लेंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज इक्वल टू, तो एक्चुअल शिप का लेंथ हमारा है 33 मीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो गया 3300 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्वेश्चन किया जा रहा है मॉडल ऑफ शिप का लेंथ क्या है, तो एक्चुअल लेंथ हमारे पास है तो मॉडल ऑफ शिप का लेंथ मान लेते हैं, तो लिख लेंगे लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप, मॉडल शिप इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि हमें मास्ट एक साथ दिया गया है, लेंथ एक साथ दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप, इसका रेशियो में लिख लेंगे एंड एक्चुअल शिप का रेशियो लिख लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 × 900 सेंटीमीटर, या ऐसे भी आप लिख सकते हो मास्ट ऑफ मॉडल इज टू मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज प्रोपोर्शनल टू, अब किसके प्रोपोर्शन में है, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप, बट यहाँ में क्या ध्यान देना है, स्टार्टिंग में हमने लिखा मास्ट ऑफ मॉडल, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ जब हम लिखेंगे तो पहले मॉडल का ही लेंथ लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ लिख लेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप जो हमने माना है, सॉरी लेंथ है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल, ठीक है, लेंथ ऑफ मॉडल इज टू लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, क्लियर। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मास्ट ऑफ मॉडल क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा 6 इज टू मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप 900,
तो 900 इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल हमने एक्स माना, तो एक्स इज टू 3300 सेंटीमीटर, 3300। नाउ 6 बाई 900 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3300, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3300, तो एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3300 अपॉन 900। नाउ जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार एंड 3 11 जार, नाउ 3 2 जार 6, तो इक्वल टू 11 2 जार 22 सेंटीमीटर इज द आंसर, है ना। तो 22 सेंटीमीटर क्या हो गया, मॉडल ऑफ द मॉडल लेंथ ऑफ द मॉडल सीट, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हैंस लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन 9 इज द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स लेंथ, मीन्स मास ऑफ रॉड जो है वो अपने लेंथ का प्रोपोर्शन है, ठीक है। इफ अ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड हैज अ मास ऑफ 192 ग्राम, अब कह रहा है कि जो 192 ग्राम मास किसका है, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड का, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड हुज मास इज 105 ग्राम। तो हमें 105 ग्राम मास वाले रॉड का लेंथ पता करना है, क्लियर। तो हम लिख लेंगे, लेट लेंथ ऑफ रॉड हुज मास इज 105 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि 105 ग्राम मास वाले रॉड का लेंथ क्या है, ठीक है। तो 105 ग्राम मास वाले रॉड का लेंथ हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन में हमें 16 सेंटीमीटर लेंथ का मास दिया 192, तो फर्स्ट 16 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट लिख लिया हमने 16 सेंटीमीटर इज टू 192 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे लेंथ हमने लिखा है, तो फर्स्ट लेंथ लिखेंगे जिसे हमने 1 सेंटीमीटर माना, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 105 ग्राम, 1 सेंटीमीटर है 105 ग्राम मास का। नाउ 16 अपॉन 192 इज कल टू एक्स अपॉन 105, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 190 इंटू एक्स इज कल टू 192x इज कल टू 16 इंटू 105, देयर फॉर एक्स इज कल टू 16 इंटू 105 अपॉन 192, 16 से 192 को डिवाइड किया तो 12 टाइम में डिवाइड हो गया। नाउ 105 अपॉन 12, 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 8.75 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो 105 ग्राम मास कितने लेंथ के रॉड का होगा, तो वो होगा 8.7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रॉड, क्लियर। क्वेश्चन 10 इज अनीता हैज टू ड्राइव फ्रॉम विलेज ए टू बी, ठीक है, ए से विलेज बी में ड्राइव करती है। शी मेजर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर बिटवीन दीज विलेजेस ऑन द मैप, अब कह रहा है कि विलेज ए से बी पे जो डिस्टेंस कवर करती है ऑन द मैप, उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैप पे ये ध्यान रखना आप। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेजेस इफ द मैप स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 20 किलोमीटर, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है कि एक्चुअल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, इसमें हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर में 20 किलोमीटर है, क्लियर। तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने, देखिए विलेज ए है, विलेज बी ए पॉइंट है, तो यहाँ से ए से बी पे मैप स्केल पे वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3.5 सेंटीमीटर, एंड मैप स्केल हमारा दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, क्लियर। तो हमें ये डिस्टेंस इनका एक्चुअल निकालना है, जो मैप में है उसे हम एक्चुअल में कन्वर्ट करना है। तो नाउ 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर दे रखा है, तो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 3.5 इंटू 20 इंटू करेंगे तो 70.0 किलोमीटर, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होता है, तो इक्वल टू हम लिख लेंगे 70 किलोमीटर इज द आंसर, क्लियर। क्वेश्चन 11 इज अ 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक कास्ट्स अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग, कह रहा है कि एक वाटर टैंक है 23 मीटर 75 सेंटीमीटर का, ये शैडो बनता है इसका 20 मीटर लॉन्ग शैडो बनता है इसका, तो फाइंड द एट द सेम टाइम, तो उसे सेम टाइम कहने का मतलब जिस टाइम पे ये वाटर टैंक का शैडो 20 मीटर लॉन्ग बन रहा है, सेम उसी टाइम पे हमें फाइंड करने हैं लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई अ ट्री 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो सेम जिस समय 20 मीटर लॉन्ग शैडो बन रहा है, सेम उसी टाइम पे एक ट्री है जो 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट का है, तो इस ट्री का शैडो किस लेंथ का बन रहा है ये फाइंड करना है। एंड सेकेंड में हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 12 मीटर, एंड सेकेंड में हमें सेम उसी टाइम पे जिस समय 20 मीटर लॉन्ग शैडो बना, सेम उसी टाइम पे एक शैडो बन रहा है जो 12 मीटर
लेंथ का है, ठीक है। तो इस 12 मीटर लेंथ का जो शैडो बन रहा है, एक ट्री का बन रहा है, तो उस ट्री की हमें हाइट बतानी है, हमें हाइट बतानी है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें यूनिट जो है मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में दे रखा है, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने लिख लिया हाइट ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 23 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 23.75 सेंटीमीटर, क्लियर। कैसे हुआ तो देखिए, मीटर इंटू को 100 से इंटू किया, तो 23 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 75, ठीक है। तो 2300 प्लस 75 हो गया 23.75 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड सबसे इजी ट्रिक है, जब भी आपको मीटर सेंटीमीटर में इस तरह से लिखा हो तो मीटर को बीच में से हटा दीजिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 23.75 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ लेट लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ शैडो हमें निकालना है ट्री का, तो उसे 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमें वाटर टैंक एंड वाटर टैंक का शैडो फर्स्ट में दिया है, तो उसे हमने लिख लिया 23.75:2000 सेंटीमीटर। ये हमारा वाटर टैंक का लेंथ शैडो दिया है 20 मीटर, 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने लिख लिया 2000 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, अगेन ट्री का लेंथ दिया 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 950 सेंटीमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ लेंथ माना, क्लियर। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसे भी हमने सेंटीमीटर, जो लेंथ दिया है तो लेंथ के साथ स्टार्टिंग में लेंथ, बाद में हमने शैडो का लेंथ लिखा है तो शैडो बाद में लिखेंगे, क्लियर। नाउ 2375/2000 इज इक्वल टू 950/x, तो 2375x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2000 × 950, डियर फॉर एक्स इज इक्वल टू 2000 × 950/2375। नाउ 25 से डिवाइड किया करेंगे तो 25 से 950 को डिवाइड किया तो आ गया 38, ठीक है, ये 8 है आपका 38। एंड 25 से 2375 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 95। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 95 डिवाइड किया तो 19, एंड ये 5 4 जा 20 एंड ये 2 0। नाउ 19 से 38 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 400 × 2, तो ये हो गया 4 × 2 = 800, तो इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। ये सारा हमारा सेंटीमीटर में है, तो 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो इक्वल टू 8 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में, जब डिवाइड करते तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 800/100 = 8 मीटर इज द आंसर, क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें हाइट ऑफ ट्री निकालने हैं, तो लेट हाइट ऑफ द ट्री 1 सेंटीमीटर एंड शैडो का लेंथ हमें दिया गया है 12 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1200 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने लिखा था वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट वाटर टैंक का लेंथ एंड शैडो का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं वाटर टैंक का 2375 सेंटीमीटर इज टू वाटर टैंक का 2000 सेंटीमीटर, मीटर को 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल में, तो पहले से ये लेंथ वाटर टैंक का है दैट मीन्स हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट है वाटर टैंक का तो हाइट ऑफ ट्री फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स पहले एंड देन 1200। नाउ 2375/2000 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1200, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2000 × x इज 2000x इज इक्वल टू 2375 × 1200/2000, अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो 0 से 2 0 से ये 0 कैंसल। नाउ 4 3 = 12, 4 5 = 20, अब इस 5 से 2375 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 475। नाउ 475, अच्छा यहाँ पे 2000x, यहाँ पे ओनली x लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक है, इसके पहले का पार्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं जो छूट गया है, 2000x इज इक्वल टू 2375 × 1200, क्लियर, एंड इसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल टू। नाउ 475 × 3 ये हो जाएगा हमारा 1425 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर दोनों हैं तो मीटर सेंटीमीटर में से लिख लेंगे तो ये हो गया हमारा 14 मीटर × 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन 12 इज, इफ 5 men or 7 women कैन अर्न ₹26.25 पर डे, करा कि 5 men पर डे ₹26.25 अर्न करता है, सिमिलरली 7 women भी इतना ही अर्न करती है, हाउ मच वुड 10 men or 13 women विल अर्न पर डे, तो 10 men and 13 women ये दोनों मिल करके पर डे कितना अर्न करेंगे ये हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे अर्निंग
अर्निंग ऑफ फाइव मेन का अर्निंग इज इक्वल टू है अर्निंग ऑफ सेवन वुमेन का, तो वही लिख लेंगे अर्निंग ऑफ सेवन वुमेन, क्लियर। तो नाउ वन मैन का अर्निंग क्या हो जाएगा, तो अर्निंग ऑफ वन मैन इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ सेवन बाय फाइव वुमेन। अब हमें क्वेश्चन में टेन मैन दिया गया है, तो अर्निंग ऑफ टेन मैन का अर्निंग इक्वल हो जाएंगे अर्निंग ऑफ सेवन बाय फाइव इंटू टेन, फाइव से डिवाइड किया टू वुमेन इज इक्वल टू सेवन टू जार फोर्टीन वुमेन, क्लियर। नाउ अर्निंग ऑफ टेन मैन एंड थर्टीन वुमेन दिया गया है, थर्टीन वुमेन इज इक्वल टू, तब देखिए टेन मैन का अर्निंग फोर्टीन वुमेन के इक्वल है, तो इसी तरह से टेन मैन एंड थर्टीन वुमेन का इन दोनों का मिला करके अर्निंग कितने वुमेन के बराबर होगा वो हमें लिखना है। तो टेन मैन का अर्निंग हमने अभी फाइंड किया फोर्टीन वुमेन के बराबर है, तो हम लिख लेंगे टेन मैन का अर्निंग फोर्टीन वुमेन के इक्वल है, एंड ये थर्टीन वुमेन का अर्निंग तो ये प्लस थर्टीन में आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन वुमेन। दैट मीन्स टेन मैन एंड थर्टीन वुमेन यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा ट्वेंटी थ्री लोग, ठीक है। तो ट्वेंटी थ्री पीपल का अर्निंग जो है ट्वेंटी सेवन वुमेन के बराबर है, क्लियर। नाउ लेट टेन मैन एंड थर्टीन वुमेन will earn in one day is equal to per day का हमें निकालना है, तो मान लिया हमने कि दोनों मिल करके वन डे में रुपीज एक्स अर्न करती है, क्लियर। एंड यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो मोर जितनी ज़्यादा औरतें होंगी वो जितना उतना ही ज़्यादा पैसे अर्न करेंगी, ज़्यादा लोग ज़्यादा इनकम, क्लियर। तो क्लियर है कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर आ रहा है, तो हम इसीलिए इसे रेशियो फॉर्म में ही लिख लेंगे। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ, अब चाहो तो लिख सकते हो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। क्यों है डायरेक्ट वेरिएशन का, क्योंकि मोर वुमेन विल अर्न मोर पर डे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग औरतें होंगी उतने ज्यादा वो अर्न करेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में दे रखा है सेवन वुमेन 26-25 पर डे वो अर्न कर रही है, क्लियर। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे सेवन वुमेन इज टू रुपीज 26-25 इज प्रोपोर्शनल टू, इसके प्रोपोर्शन में है। तो देखिए यहाँ सेवन वुमेन हमारे क्वेश्चन में है, फाइव मेन और सेवन वुमेन दोनों में से कोई एक, एंड इस सबको हमने वुमेन में के इक्वल, मेन का हमने वुमेन के इक्वल कन्वर्ट किया है, क्लियर। यहाँ भी टोटल वुमेन निकाला है, तो इसीलिए यहाँ सेवन वुमेन पहले वुमेन का ही लिखेंगे। तो सेवन वुमेन इज टू 26-25 रुपीज पर डे इनकम कर रही है इज प्रोपोर्शन टू, अब वुमेन है तो टोटल वुमेन आ गई, टोटल किसके 27 वुमेन के इक्वल है, तो यहाँ लिख लेंगे 27 इज टू, तो 27 10 मेन एंड 13 वुमेन 27 के इक्वल है, एंड ये कितने अर्न कर रहे हैं पर डे एक्स रुपीज, तो इज कल टू एक्स, क्लियर। ये 27 के पास यहाँ आप वुमेन लिख सकते हो एंड ये रुपीज एक्स। नाउ 7/26/25 इज इक्वल टू 27 अपॉन एक्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 7x इज इक्वल टू 27 इंटू 26/25, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू 26/25 अपॉन 7, तो 7 से 26/25 को डिवाइड करेंगे तो ये 375 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 27 इंटू 375 इज इक्वल टू रुपीज 10,125 इज द आंसर, क्लियर। एंड इसी के साथ आपका 7.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।